साथियों आदाब, खुशामदीद, मैं रऊफ हूं और आज हिंदी दिवस है। ये मौका बहुत खास है, एक कविता जो मेरे दिल के बहुत करीब है और मेरे पसंदीदा लेखक मंगलेश डबराल जी द्वारा रचित है। कविता का शीर्षक है वर्णमाला। इस कविता का पाठ करने की चेष्टा कर रहा हूं। एक भाषा में अ लिखना चाहता हूं। अ से अनार, अ से अमरूद, लेकिन लिखने लगता हूं अ से अनर्थ, अ से अत्याचार। कोशिश करता हूं कि क से कलम या करुणा लिखूं, लेकिन मैं लिखने लगता हूं क से क्रूरता, क से कुटिलता। अभी तक ख से खरगोश लिखता आया हूं, लेकिन ख से अब किसी खतरे की आहट आने लगी है। मैं सोचता था फ से फूल ही लिखा जाता होगा, बहुत सारे फूल, घरों के बाहर, घरों के भीतर, मनुष्यों के भीतर। लेकिन मैंने देखा तमाम फूल जा रहे थे जालिमों के गले में माला बनकर डाले जाने के लिए। ये जो पंक्ति मैंने, आखिरी पंक्ति जो मैंने पढ़ी है, आप अपने चारों ओर देखिए, अपनी समसामयिक घटनाओं से इसको रिलेट करने की कोशिश कीजिए, आप रिलेट कर पाएंगे। ज्यादा दूर मत जाइए, एक महीने पहले की जो घटना हुई है, जो 11 कॉन्विक्ट्स को छोड़ा गया है बिल्किस बानो के, आप रिलेट कर पाएंगे उससे। दोबारा पढ़ो। लेकिन मैंने देखा तमाम फूल जा रहे थे जालिमों के गले में माला बनकर डाले जाने के लिए। कोई मेरा हाथ जकड़ता है और कहता है भ से लिखो भय, जो अब हर जगह मौजूद है। द दमन का और प पतन का संकेत है। आताई छीन लेते हैं हमारी पूरी वर्णमाला, वे भाषा की हिंसा को बना देते हैं समाज की हिंसा। ह को हत्या के लिए सुरक्षित कर दिया गया। हम कितना ही हल और हिरण लिखते रहे, वे ह से हत्या लिखते रहते।